हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरतीसा, आरतीस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मेथी का कुछ अलग सा नाश्ता। ऐसे तो बच्चे मेथी खाते नहीं हैं, लेकिन ये नाश्ता बनाएंगे तो बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। अभी विंटर की सीजन आ गई है और हरी मेथी भी मार्केट में आ गई है, तो मेथी से अलग अलग तरह के नाश्ते हम बना सकते हैं। तो ये बहुत हेल्दी नाश्ता है, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं और हम ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। ऐसा आज हम नाश्ता बनाने वाले हैं, तो चलो हम बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने 4 उबले हुए आलू को मैंने अच्छे तरह मैश कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक की पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर का पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, 1/2 टेबलस्पून अमचूर पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। मेथी का नाश्ता है तो मेथी हम ज्यादा डालेंगे, तो ये मैंने मेथी काट कर धो कर रखी थी वो इसमें डाल देंगे। और इसमें डालेंगे बहुत सारा धनिया पत्ती, इससे फ्लेवर बहुत अच्छी आएगी। सभी चीजों को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। हल्दी पाउडर डालना भूल गए हैं, तो डालेंगे 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिक्स करने के बाद हम डालेंगे इसमें बाजरे का आटा और मकई का आटा। आप दोनों में से कोई एक भी डाल सकते हैं, लेकिन हम दोनों डालेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बाजरे का आटा सिर्फ डालेंगे तो वो थोड़े काले बनेंगे तो बच्चों को पसंद नहीं आएगा। तो हम दोनों आटा थोड़ा थोड़ा डालेंगे, इसका दो तैयार हो जाए इतना इसमें आटा डालना है। थोड़ा आटा डालकर हम देखेंगे। एक चिली पाउडर डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और थोड़ा मकई का आटा डालेंगे, क्योंकि इसमें मेथी की भाजी डाली है, इसमें से थोड़ा पानी निकलेगा, इसलिए हम थोड़ा टाइट आटा गूंदेंगे। थोड़ी देर के बाद ये थोड़ा नरम हो जाएगा। हमने इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला है, क्योंकि आलू है तो इसमें आलू से ही इतने सॉफ्ट वड़े बनेंगे हमारे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। कितना अच्छा आटा गूंद लिया है। थोड़ा सा ऑयल साइड पर लेंगे और हाथों में ऑयल लगाएंगे। इसमें से थोड़ा आटा लेकर इसकी टिक्की बनाएंगे। छोटी बड़ी जितनी बनानी हो आप बना सकते हैं। ऐसे सारी टिक्की बनाकर हम तैयार कर लेंगे। देखिए, मैंने सारी टिक्की बना ली है और ऑयल भी गर्म करने के लिए रख लिया है। इसे हम फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो आज हम डीप फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो गए तो इसमें एक एक करके टिक्की डालेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है। एक तरफ से अच्छे से पक जाए, बाद में ही उसे पलटना है। देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है, तब इसे हम पलट लेंगे। फिर से पलट कर देख लेंगे। देखिए, नीचे से अच्छे से पक गई है। इसमें आलू डाला है इसलिए बहुत सॉफ्ट बनेगी और इसमें ज्यादा ऑयल भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें बाजरे का आटा है। बाजरे का आटा विंटर के सीजन में खाने में बहुत हेल्दी होता है। चलो, पक गई है तो इसे हम निकाल लेंगे। देखिए, मैंने सारी टिक्की फ्राई कर ली है। कितनी क्रंची बनी है।